हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग सभी बढ़िया से होंगे। तो भाई आज मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ एक और नया मजेदार वाला प्रैंक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आई नो कि प्रैंक बहुत ज्यादा लेट हो गया, फिलहाल कहीं बिजी थे हम लोग, तो इस वजह से मैं प्रैंक जो है वो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। तो आज मैंने ऑफिस में ही सोच लिया था यार आज तो प्रैंक बन के रहेगा और मेगा को मजा चखा के रहेंगे आज हम लोग। तो देखते हैं यार आज का प्रैंक क्या है। फिलहाल आप लोगों को टाइटल देख के तो आइडिया हो ही चुका होगा कि क्या प्रैंक होने वाला है। तो चलिए मेगा के रिएक्शंस को चेक करते हैं और देखते हैं क्या कुछ बोला है उसने इस वीडियो के अंदर, या फिर क्या बोलती है यार वो। फिलहाल मैं तो यही कहूंगा, बट आप लोग देखो कि क्या क्या चीजें उसने बोली है इस वीडियो के अंदर। तो चलता हूं मैं, इस कैमरा को फिट करता हूं। तब तक आप लोग चैनल पे न्यू हो तो यार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को शेयर पक्का करना। A few moments later. So भाई कैमरा फिट कर दिया मैंने, अब वेट करते हैं आपकी भाभी के आने का। फिलहाल उसके आने का टाइम हो गया, देखते आ रही होगी वो। 2 hours later. अरे बाबा क्या बताऊं मैं आपको, दुखी हो रखा हूं मैं कसम से। अरे बाबा जी आप मेरी हालत समझ नहीं सकते हो। मैं कहता हूँ घर में कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां मैं शांति से बैठ सकूं। अरे 24 घंटे मेरे साथ लड़ते रहना है यार। बाबा जी आप ही मेरा समाधान कर सकते हो, मैं तभी आपके पास आया। आपका रूह बाबा का मैंने बड़ा नाम सुन लिया, सही में रूह बाबा की जय हो। आप ही मेरे को मेरी नई अखबार लगा सकते हो बाबा जी। अरे फी तो भर दी मैंने बाबा जी, 250 रुपए भर दिए मैंने ऑनलाइन, गूगल पे किया आपको मैंने। हाँ ठीक है। अरे बाबा जी वो भी भर दूंगा मैं, आप पहले मुद्दे की बात तो सुनो। आप फी पे आ गए सीधा। अरे वही तो नहीं होगा ना, आपने जो पहले टोट का बताया था एक थोड़ा रत्ती भर काम नहीं किया उसने। अरे वही वशीकरण का। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अरे जैसा आपने बोला वैसा किया मैंने, सब कुछ खाने में मिला के भी दिया, चाय में भी मिला के दिया। हाँ अरे बाबा जी मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ आपके पास कसम से। अगर इस बार कुछ नहीं हुआ ना तो मैं लटक जाऊंगा कसम से। अरे बाबा कोई तो समाधान होगा उसका। हाँ ठीक है। अरे यार उसको बाबा आपके पास कैसे लेके आ सकता हूँ मैं उसको। बात तो सही है। अगर उसको पता चल गया ना तो गर्दन उखाड़ देनी उसने मेरी। आप मेरे को कोई सीधा सा आसान सा रास्ता बता दो ताकि वो मेरे इशारों पे रहे, बस जैसा मैं बोलूँ वैसा चले। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएगा सामान, कोई बात नहीं सर ठीक है। अरे हाँ वही था ना, हाँ उसका वो तो डिलीवरी कल हो जाएगी उसके वजह से। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ ठीक है। मैं वही कह रहा था कि अच्छा चल ठीक है, मैं करवा के फिर भेजता हूँ सर। ठीक एक बार हो जाएगी ना, मैं डिलीवरी जैसे ही हो जाती है तो मैं तुमको भेज देता हूँ। ठीक है क्या हो गया? डिलीवरी तो बाद की बात है। हाँ मतलब तू जिससे बात कर रहा था मुझे पता है। किससे बात कर रहा था? फिर से स्टार्ट हो गई इन बाबाओं के चक्रों में यार। कौन सा बाबा यार, तेरी आदत गई नहीं अभी तक। हाँ कौन सी आदत गई नहीं? यही जो पीछे खड़े होकर बातें सुनने की। और तेरी आदत नहीं गई मुझे वशीकरण करना है बीवी को। अबे वशीकरण का मतलब होता है घर में सुख शांति लेके आना। सब बस बेटा। हाँ कोई झूठ बोला, कोई तुझसे सीखे विकास की तरह से सीखे। अरे यार वशीकरण कुछ नहीं था, मैं जस्ट बोल रहा था कि बाबा जी हमारे घर पर बड़ी ज्यादा इस टाइम पे अशांति फैली हुई है, उसको शांति कैसे लेके आना। ऐसे तो वर्डिंग मैंने सुने नहीं, तूने कहा मेरे वशीकरण कराए, घर का सोना एक भी नहीं छोड़ा इस बंदी ने, जहाँ लड़ाई नहीं की है, मेरे को दिमाग मेरा यहाँ बैठने का मन नहीं करता। ये फंस गया सी है तो
भाई रूह बाबा इतने अच्छे ऐसे करके करते हैं, तू क्या ऐसे से कर गया? ऐसे रूह बाबा जाए वो करा से चल गया दिमाग नहीं खराब कर दिए, ऐसे ऐसे कर रूह बाबा। ये कौन से बाबा है? ढाई सौ? अरे बहुत पहुंचे हुए बाबा है वो। क्या है पहुंचे हुए? अरे 250 रुपए में घर पे शांति आ जाए तो क्या बात है। शांति आई जो उसने टोटके दिए थे, शांति आई? अरे वही तोड़ का तो काम नहीं किया, देखा अपनी हालत, इसी वजह से बचने के लिए तो मैं कर रहा था। तो अब शांति आ जाएगी? हाँ तो आएगी ना। अच्छा हाँ? अब उसने क्या क्या नुस्खे बोले हुए? ये क्या क्या बोला हुआ है, तुझे क्या करना है यार? उसने बड़े सारे टोटके दिए थे, बट अब तू करने देगी तब ना। क्या करना बता ना, क्या चाहिए तेरे? घर पे दाल, काली दाल है पड़ी? हाँ काली दाल भी पड़ी है। हाँ मिर्ची है? हाँ मिर्ची है। लौंगा है ना? हाँ हाँ। एक नींबू लेके? हाँ। उसके उसका वो बना के, ठीक है वो क्या मतलब, और चार पांच छोटे कीने लेके, हाँ ठीक है, बोलेंगे और जाके चौराहे में छोड़ देंगे। क्या बोला तूने? वो कौन छोड़ेगा? मैं छोड़ूंगा जाके। अब तूने चौराहे पे जाना है? अरे हाँ चौराहे पे, उसने बोला काला कच्छा पहन के जाना। कोई देख लेगा तुझे, दिमाग क्यों खराब है, पागल हो गया है कि काला कच्छा लगा के तू जाएगा उधर? कौन पागल हो गया? तो कपड़े लगा के क्या हो जाएगा तुझे? अब कपड़े लगा के जाऊंगी ये सब करने? ये कौन सा टोटका? इस टोटके से हमारा सब ठीक हो जाएगा? हाँ, मैं वशीकरण हो जाऊंगी। उसने दो रास्ते बताए, एक तो यहाँ ये कर ले, ठीक है, या तो जो पति पत्नी में अनबन होती है उसको उसका समाधान जो है वो बताया उसने, ठीक है वो कर सकते। उसकी अपनी बीवी है बाबे की? हाँ है ना। अरे बाबा जी का नाम उस बुड्ढे की, बुड्ढे की नहीं इज्जत से नाम ले, रूह बाबा है वो। रूह बाबा बख्शना इस बंदी को, उसकी शादी हुई है, जरा मेरे को ले जाना, मैं देखू मुझे लगता है कि उसकी शादी ही नहीं हुई है। यार ये तो मैंने पूछा ही नहीं, पूछना पड़ेगा। अपनी बीवी वशीकरण की है आज तक उसने? अरे जो दूसरों की बीवी वशीकरण, ये भी तो हो सकता है कि वशीकरण करके उसने भगा दी हो। एक्सपीरियंस अब तो एक्सपीरियंस बनता है ना, मुझे भगाएगा अब तू, मुझे भगाएगा बस यही इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। देखा हाथ उठाने शुरू हो गई है, काला कच्छा ढूंढ ले तो काला कच्छा पहन के जाऊंगा ना चौराहे पे छोड़ के। अगर जिसके पास काले कच्छे नहीं होंगे वो तो काला कच्छा मार्केट से ले आएंगे। ले आ फिर देखती हूँ मैं चौराहे पे। हाँ तो चौराहे पे डालेगा। इतने से करने से अगर घर पे शांति आ जाए तो क्या चाहिए? शांति वर्ड छोड़ दे विकास, तूने वशीकरण करना है। मेरे को बाबे के पास ले जा। कहाँ है उसका? कहाँ से? अरे यार तेरे को ले, वही तो कह रहा हूँ बाबे के पास ले जा। अच्छा सुन मेरी बात, आपको पता चल गया, ठीक है? अब मैंने सोचा ऐसे तो वो बोल रहे थे कि उसको खुद लेकर आ जाओगे तो जल्दी काम हो जाएगा, समाधान हो जाएगा जल्दी से। अगर तेरे को पता चल गया है तो शांति से चलते हैं, बैठ के बात करेंगे। अगर घर पे शांति आ जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देख पति पत्नी में कितनी लड़ाई हो रही है। अच्छा ये सब अच्छी हो जाएगी ना, ठीक हो जाएंगे हम, लड़ेंगे नहीं। मैं ना एक काम करती हूँ ना, मैं कुछ बैग ले जाती हूँ, उसमें चप्पल रखूंगी, बेलन रखूंगी, डंडा बैग भी रखूंगी, उस बाबे की भी बताऊंगी। फिर उस बाबे को क्या बताना, तो क्रिकेट खेलेगी क्या बैग लेके? उसका दिमाग नहीं खराब कर मेरा। तो तूने बोला बैट बेलन सब कुछ रखना है, रोटियां भी उधर बनानी है, पिकनिक थोड़ी ना जा रहे हैं हम लोग। सही खेल गए बैंच। अरे एक दो घंटे में वापस आ जाएंगे। दिमाग नहीं खराब कर, मैं उस भाभी की भी खत्म कर दूंगी, तुझे भी खत्म कर दूंगी, याद रख। देख बस्तर जाना है, टाइम हो जाएगा। देख बाबा का फोन तो नहीं आ रहा, देख आ नहीं कर रहा। नहीं अभी नंगे जाना है, अगर कोई तेरी वीडियो बनाएगा तो फिर अच्छी बात है, वायरल हो जाएंगे। तेरा दिमाग ना बिल्कुल ऊपर से खाली हो चुका है, तेरा दिमाग खाली हो चुका है। मास्क पहन लूंगा ना। अरे यार कुछ चीजें बाहर नहीं दिखानी होती है तो काला कच्छा तो पहना और क्या। शाबाश। तो उसमें क्या दिखेगा काले कच्छे में? मतलब तू तो बेशर्म हो चुका है विकास, रूह बाबाओं के चक्रों में पड़ा है। इज्जत से नाम ले, वो रूह बाबा है ऐसे करके नाम लेते हैं उनका। ये कौन सा रूह बाबा? ये रूह बाबा होते हैं हमारे। फिर कर रहा है रूह बाबा? पिछली बार भी तेरे रूह बाबा खत्म ही हुए, इस बार भी नया स्टार्ट हो गया ये रूह बाबा।
क्या रहा है अभी? तू तेरी कोई फोटो वीडियो वायरल कर देगा वहां। तो वायरल होने के लिए तो मैं जान ये कर रहा हूं, ये सब चीजें समझा करना इस बात को भी। क्या मतलब वायरल होने के लिए तो हो रहा है ये सब चीजें। वायरल होने के लिए कैसे हो रहा है ये? देख ना उधर वो देख, वो क्या लगा, इसको कुछ बोलते हैं? क्या लगा था ये सिर मेरा? चलते रूबा के पास चलते हैं।